Hey guys, हम लोग आउटडोर में इन दोनों स्पीकर की टेस्टिंग के लिए बाहर आए हैं। चेक कर रहे हैं क्या साउंड करता है। एक तरफ है बोट्स 1000 और एक तरफ है टेक सोनिक एंगल 1। मेरे पास दो हैं, सिंगल तो डेफिनेटली बोट जीत जाएगा, तो मैं दोनों को साथ में पेयर करके प्ले करने वाला हूँ। दोनों स्पीकर काफ़ी अच्छे हैं और दोनों का प्राइसिंग अगर देखा जाए तो टैग जो है आपको कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू बोट्स 1000। बोट्स 1000 आपको सेल वगैरह में 2500 के आसपास या 2000 के आसपास मिल सकते हैं। टैग का एक ही स्पीकर जो है 2500 का यूजुअल रहता है और यूजुअल सेल्स में 1700 का जाता है, तो ये मैंने 1700 में लिया और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है दोनों के साथ। पर मैं बोट्स उनसे कंपेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये 14 वॉट का आउटपुट है, 20 वॉट्स का आउटपुट है। आप देखते कौन कैसा साउंड करता है। तो पहले जो है हम लोग इसको प्ले करने वाले हैं और इसको प्ले करते हैं हम लोग। देखा आपने काफ़ी ज़्यादा लाउड है और बेस तो मज़ेदार है इसका, नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर है ये। अब हम लोग जो है देख लेते हैं टैग को, टैग क्या साउंड करता है। ये 10x2 जो है 20 वॉट का टोटल हो जाता है। ये 14 वॉट का एक है, ये 20 वॉट के दो हैं। अब इसे प्ले करते हैं, देखते कैसा। चलिए तो इसे प्ले करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं मोबाइल से तो वॉल्यूम जो फुल हो चुकी है, तो स्पीकर से बढ़ाते हैं। चलिए तो फाइनल वर्डिक्ट दूं मैं दोनों स्पीकर के बारे में। तो बोट्स 1000 एक सिंगल स्पीकर है और जो कि 14 वॉट का है, नो डाउट काफ़ी अच्छा आवाज़ है उसका, कोई उसमें दोहराई नहीं है। पर टैग की बात करें तो उसने इसको टक्कर दी है और काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है टैग भी। टैग की अगर बात बोलूँ तो सिंगल स्पीकर तो डेफिनेटली बोट्स के सामने स्टैंड नहीं करता, पर दोनों अगर आप दो कनेक्ट करके प्ले करते हैं तो डेफिनेटली बोट्स 1000 जो है और टैग जो है वो दोनों इक्वली साउंड करते हैं। बेस भी इक्वली आ रहा है क्योंकि दो पैसिव रेडिएटर रहते हैं यहाँ पर, यहाँ पर बोट्स में एक ही पैसिव रेडिएटर है और जब काफ़ी इनफ है, बेस सुपर है बोट्स 1000 का। पर टैग ने मज़ा ला दिया, मतलब अगर देखा जाए तो, क्योंकि टैग में आपको फ़ायदा ये भी है कि आप इसमें स्टीरियो साउंड इफेक्ट वाला जो है वो चीज़ फ़ायदे की इसमें है। और दूसरा इसमें जो फ़ायदा है वो है आपको कि इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि साइज़ में छोटा है। अगर आप देखें दोनों को देखें तो ये टैग और ये डिफरेंस है टैग और इसमें, देख सकते साइज़ का इतना फ़र्क है। और ये वाला देखें आप, दोनों को रखेंगे तब जाके बोट्स 1000 बनता है। तो टैग को आप कैरी करना इजी है और स्टीरियो साउंड इफेक्ट फ़ायदा है इसका, बेस टैग से कह सकता हूँ मैं बेहतर है। और दोनों अगर साथ में प्ले करते हैं तो सिमिलर साउंड करता है। तो ये मेरा कंपेरिजन है, होप आपको अच्छा पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।